कोई भी वेव हो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। 17 का क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन है, ये आसान उनके लिए है जिन्होंने ये बेसिक सीख रखा है कि n sin थीटा इक्वल टू कांस्टेंट होता है स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ इस फॉर्म में लिखना आता है, जिसको स्नेल्स लॉ इस फॉर्म में लिखना आता है वही इन क्वेश्चंस को हैंडल कर सकता है। हेलो चैंपियंस, क्या हालचाल, आज हम अपने कार्यक्रम का 6th दिन लेके आए। अरे तो बाकी 5 दिन कहां गए? टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ऊपर प्लेलिस्ट में जाके देखो सब मिल जाएगा। तो कल क्या पढ़ा था? कल पढ़ा था हमने कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स। आज क्या पढ़ेंगे? आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं केवल स्नेल्स लॉ के बेसिक क्वेश्चंस। स्नेल्स लॉ के बेसिक क्वेश्चन क्या, कैसे हम स्नेल्स लॉ का अप्लाई करें, कैसे स्नेल्स लॉ के हम डिफरेंशियल फॉर्म को लिखें, कैसे हम स्नेल्स लॉ के वेक्टर फॉर्म को यूज करें। तो फटाफट हम आपको थोड़ा बेसिक कंसेप्ट बता देते हैं। स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? मैक्सवेल ने ऑब्जर्व किया, एक अगर कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। क्यों? ऑप्टिकल डेंसिटी की वजह से। तो ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है? जैसे मास डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, वैसे ऑप्टिकल डेंसिटी जैसी कोई चीज होती है। तो क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं? एन, एन कहीं कहीं लिखते हैं इसको, कहीं कहीं पे म्यू भी लिखते हैं, लेकिन हम यहां एन से लिख रहे हैं। सी डिवाइड बाई वी, सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और वी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को किससे बोलते हैं हम लोग? हम लोग इसको बताते हैं, हम लोग क्या बताए थे, मैक्सवेल ने बताया था, हम लोग तो खाली पढ़ रहे हैं म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट तुम लोग जानते हो परमिबिलिटी को बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी को बोलते हैं। और किसी मीडियम के लिए क्या बताया मैक्सवेल ने कि इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं म्यू नॉट म्यू आर, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो किसी पर्टिकुलर मीडियम के लिए जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या हो जाएगा? सी बाई वी। तो सी बाई वी लिखेंगे तो क्या आएगा, इसी को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास म्यू आर एप्सिलॉन आर, ये आ जाएगा। ये किसी पर्टिकुलर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। इसका नोटेशन होता है कुछ ऐसा, किसी मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, ऐसा। मतलब क्या हुआ, अगर मुझे चाहिए 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1 तो ऐसे लिखेंगे, कहीं कहीं इसको ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 है। तो इसको क्या लिखा है हमने, स्पीड ऑफ 2 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो इसको कैसे लिखें हम, इसको लिख सकते हैं ऐसा, सी डिवाइड बाई वी टू, सी डिवाइड बाई वी वन, ये क्या आ जाएगा, वी वन बाई वी टू। वेलोसिटी ऑफ मीडियम 1, वेलोसिटी ऑफ रे इन मीडियम 1, वेलोसिटी ऑफ रे इन मीडियम 2 का रेशियो हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। इसका उल्टा लिखना चाहे तो, उल्टा बोले तो अगर मुझे लिखना हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, फिर से यही काम करेंगे हम, क्या लिखेंगे, v मतलब वैक्यूम के रिस्पेक्ट में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और वैक्यूम के रिस्पेक्ट में इसका मतलब वैक्यूम के रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये क्या आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। तो ये क्या आएगा हमारे पास, सीधा सीधा लिख देते हैं v2 by v1, velocity of wave in medium 2 divided by velocity of light wave या light ray in medium 1। अब क्या है ये v2 by v1 हो गया, ये क्या था v1 by v2 हो गया। क्या इसको wavelength के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है? हाँ लिख सकते हैं, कैसे, देखो v equal to होता है f lambda। तो अगर कोई light ऐसे है यहां से यहां आ रही है ऐसे ऐसे, तो यहां पे वेलोसिटी कुछ और होगी, यहां पे लैम्डा कुछ और होगा, और यहां पे वेलोसिटी कुछ और होगी, यहां पे लैम्डा कुछ और होगा। और फ्रीक्वेंसी, अगर कोई वेव या कोई लाइट कोई भी वेव हो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। तो इसको मतलब इसको सीधा सीधा हम लिख सकते हैं लैम्डा 2 डिवाइड बाई लैम्डा 1। यहां पे भी लिखा जा सकता था, कैसे, यहां पे हम लिख सकते थे क्या, लैम्डा 1 डिवाइड बाई लैम्डा 2, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले को, ये क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, क्या हो जाएगा लाइट रे की वेलोसिटी इन मीडियम 1 डिवाइड बाय लाइट रे की वेलोसिटी इन मीडियम 2, या फिर लैम्डा इन मीडियम 1 डिवाइड बाय लैम्डा इन मीडियम 2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन 2 डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन 1, या फिर लैम्डा ऑफ 2 डिवाइड बाय लैम्डा 1। स्नेल्स लॉ की, स्नेल्स लॉ क्या है, स्नेल्स लॉ बोलता है n टाइम्स ऑफ sin थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब आप सोच रहे हो n क्या है, थीटा क्या है, जैसे ये बाउंड्री था, यहां पे लाइट रे ऐसे इंसिडेंट कर रही थी, ये एंगल था थीटा,
और यहाँ पे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स था n, तो ये हो जाएगा n साइन थीटा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब ये अगर हम बोलें कि ये लाइट रे ये नॉर्मल हो गया, यहाँ से ट्रेवल करके ऐसे गई, ये एंगल हमारा था I, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ पे निकल के गई ऐसे, हो सकता है ऐसे चली जाए, तो ये एंगल हो गया R। यहाँ पे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1 है, यहाँ पे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 2 है, तो क्या लिखा जाएगा? इसी चीज को देखो, अगर लिखें तो क्या लिखेंगे? N1 वन साइन आई इज इक्वल टू N2 टू साइन आर लिखा जाएगा। तो यही तो पढ़ते हो तुम लोग, जो स्कूल के बच्चे होते हैं ट्यूशन व्यूशन में देखते हैं, तो क्या लिखते हैं? साइन आई डिवाइड बाई साइन आर इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? एन टू बाई एन वन, डायरेक्ट यही बता दिया जाता है। लेकिन देखो क्या बेटा, इस वाले फॉर्मूले से अच्छे क्वेश्चंस नहीं हैंडल होते हैं, हम कंफ्यूज कर जाते हैं। करने को कर सकता है इंटेलिजेंट बच्चा, लेकिन क्या है, यहाँ पे हम हैंडल करने में कंफ्यूज कर जाते हैं। ये वाला याद रखोगे तो आप अच्छे क्वेश्चन भी कर पाओगे। अभी देखो पिछले 2017 में जी एडवांस में एक क्वेश्चन आया था, अभी कराऊंगा मैं। इस फॉर्मूले को अगर आप ध्यान में रखोगे तो फटाफट कर लोगे। फटाफट करने मतलब क्या है, जो n साइन थीटा का प्रोडक्ट यहां है, अगर ये लाइट रे मान लो हम बोलते हैं ऐसे ट्रेवल करके गई, जो कि कर सकती है, कैसे? ये ऑप्टिकल डेंसिटी जो यहां इस मीडियम की है, या रिफ्रेक्टिव इंडेक्स यहां इस जो मीडियम की है, वो चेंज होती रहे तो लाइट ऐसे ट्रेवल करके जाएगी, टेढ़ा मेढ़ा ट्रेवल करके जाएगी। तो यहां पर अगर हम आपसे बोलें कि इस जगह पर यहां पर ऐसे ये लाइट जो है ऐसे यहां पे एंगल बना रही थी फाई, तो अगर एंगल यहां बनाएगी फाई तो क्या लिखते हैं हम यहां पे? एन साइन थीटा ये लिखते हैं, और यहां पे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं क्या? एन डैश है, तो क्या लिखते हैं यहां पे? एन डैश साइन फाई लिखते हैं। अब आप सोचते मुझे तो पढ़ाया गया कि जहां पड़े उसके लेफ्ट और राइट देखो या ऊपर नीचे देखो, नहीं, ये यहां यहां का भी देखा जा सकता है और यहां यहां बराबर होगा, बीच में क्या हुआ उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। क्यों? ये लाइट रे जाए ऐसे गई है तो क्या हर जगह यही बात वैलिड होगी? तो ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, सी इक्वल टू डी, डी इक्वल टू ए, तो ये वाला ये नहीं बराबर होगा। तो डायरेक्टली आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये वाला पता होगा तब, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब देखते हैं स्नेल्स लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म क्या होता है। देखो ये लाइट अगर ऐसे ट्रेवल करते हुए जा रही थी तो इस जगह पे मान लो यहां पे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एन दे रखा है हमने, तो ये लाइट रे यहां पे अगर इंसिडेंट हुई तो यहां पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ऐसे ऐसे, ये टेंजेंट मान लो, तो ये जो एंगल बनाएगा टेंजेंट इस जगह पे इस नॉर्मल से, वो होगा हमारे पास क्या? थीटा मान लो। ये एंगल क्या हो गया? फाई। तो तुम्हें पता है थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू पाई बाई टू होगा, और टेन फाई जो होगा, ये टेन फाई होगा, ये जो रे जा रही है ना, इस रे, ये रे जो है वाई और एक्स प्लेन में चल रही है, तो इसके स्लोप के बराबर होगी, इसके ट्रेजेक्ट्री के स्लोप के बराबर होगी। अगर मैं यहां स्नेल्स लॉ लिखूं तो क्या लिखूंगा? एन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखूंगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा? एन टाइम्स ऑफ साइन 90 माइनस फाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो एन टाइम्स ऑफ कॉस फाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। अब आपको पता है tan phi is equal to dy by dx होता है, तो आपको पता है 1 plus tan square phi is equal to हो जाएगा sec square phi। मतलब ये हो गया, अगर हम लिखें यहां पे तो n divided by root over 1 plus tan square phi is equal to some constant, so n divided by 1 plus dy by dx का square इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट, ये आएगा आपका डिफरेंशियल फॉर्म में स्नेल्स लॉ। ये है डिफरेंशियल फॉर्म का स्नेल्स लॉ, क्या? एन डिवाइड बाई रूट ओवर वन प्लस डीवाई बाई डीएक्स का स्क्वायर, ये है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ। इस पर भी क्वेश्चन आया है, इसको भी अभी हम डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ की। देखो स्नेल्स लॉ अभी हमने क्या लिखा था, एन वन साइन आई इज इक्वल टू एन टू साइन आर, अगर लाइट ऐसे ट्रेवल करके जा रही है तो। ये साइन आई क्या हो सकता है? ये जो रे है ये है, ये इंसिडेंट रे वेक्टर ऐसा है, अगर मैं इसका इस यूनिट वेक्टर का इस यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालूं तो क्या आएगा? आई क्रॉस एन, आई का प्रोडक्ट 1, एन का प्रोडक्ट वैल्यू 1, और इसका क्या आ जाएगा आपके पास? इसका मतलब साइन आई आ जाएगा, आई की वैल्यू 1, ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा, तो ऐसे लिख दिया। अच्छा अगर मैं आर क्रॉस एन लिखूं तो
आर क्रॉस एन लिखूंगा तो ये आ जाएगा, ये भी बाहर तरफ ही आएगा, तो क्या लिखा जाएगा, साइन आर लिखा जाएगा। क्यों, आर एन साइन थीटा हुआ तो आर की वैल्यू वन, एन की वैल्यू वन, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, ये ऐसे लिखा जाएगा। तो अगर मैं इसमें वैल्यू भर दूं वेक्टर फॉर्म में तो क्या आने वाला है, आई कैप इसकी जगह पे क्रॉस एन कैप एन वन इज इक्वल टू आर कैप क्रॉस एन इंटू एन टू। ये हो जाएगा हमारा वैल्यू किसका, वेक्टर फॉर्म का, किस लिए, स्नेल्स लॉ के लिए। ठीक, तो ये है स्नेल्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, कभी भी जरूरत पड़ेगा तो ऐसा निकालेंगे। इस पर भी अभी क्वेश्चन देखने वाले हैं, वेट करो। देखो अभी जो हमने आपको स्नेल्स लॉ का बिल्कुल बेसिक सा डेफिनेशन बताया, ये उसका बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है। क्या है कि यहां पर बहुत सारी प्लेट्स लगी हुई हैं, एम प्लेट्स हैं, यहां पे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स n है और हर प्लेट के बाद डेल्टा n अमाउंट से रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम होता चला जाता है। मतलब यहां n था तो यहां इस पहली प्लेट में n माइनस डेल्टा 1, दूसरी में n माइनस डेल्टा 2 एंड सो ऑन। तो यहां m माइनस 1 में डेल्टा m n माइनस 1, यहां देखो nth में क्या हो गया, n माइनस m डेल्टा n। यहां पर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इतना होगा, इस जगह का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स n डैश इतना लिखा जाएगा। यहां पर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या लिखा जाता, n1 इतना लिखा जाता, N2 इतना लिखा जाता, मतलब रिफ्रेक्टिव इंडेक्स चेंज होता चला जा रहा है। तो इस मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आ जाएगा N माइनस M डेल्टा N, ऐसा हो जाएगा। ठीक, अब आपको बताना है क्या है, ये जो है प्लेट mth, इस प्लेट का नंबर कितना है, मतलब M नंबर ऑफ प्लेट्स, ये mth प्लेट कौन सी है, ये आपको पता करना है। सो यहां पर स्नेल्स लॉ लगाइए आप, और रास्ते भर में अभी आपको बताया था कुछ सोचने की जरूरत नहीं, सीधा यहां पर आप स्नेल्स लॉ लगा दो। तो क्या करेंगे, इस जगह पर, यहां पर, इस जगह पर, यहां पे क्या है, आपको एंगल पता है 90 डिग्री, क्या पता है 90 डिग्री, और यहां का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या पता है, n माइनस m डेल्टा n पता है। डेल्टा n क्या है, हर बार इतना कम हो रहा था, n क्या था, ये दिया ही था। तो हम क्या लिखते हैं यहां पे, n टाइम्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू n डैश टाइम्स ऑफ साइन 90। इस मीडियम की बात हो रही थी, इस मीडियम का लिखा जाएगा और एंगल लिखा जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आई, लिख देते हैं अभी n ही लिख देते हैं, यहां पे साइन 30 पाई बाई 6 इज इक्वल टू n डैश की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, n माइनस m, और डेल्टा n की वैल्यू कितनी है 0.1। तो इसको मैं अभी ऐसे लिख देते हैं, डेल्टा n साइन 90 की वैल्यू 1, सो n की वैल्यू 1.6 हाफ इज इक्वल टू 1.6 माइनस m की वैल्यू पता नहीं, यहां क्या है डेल्टा n वैल्यू 0.1 ऐसा। अब क्या है, इसको हम अगर इस तरफ ले आए, इसको इस तरफ ले आए तो क्या हो जाएगा आपका, m 0.1 इज इक्वल टू, यहां पे जाएंगे तो बचेगा 0.8, सो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। इतनी प्लेट्स लगी होंगी, आठवीं प्लेट होगी ये वाली। अब सोचो इसमें बहुत कुछ था क्या, ये जेई 2017 का क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन है, ये आसान उनके लिए है जिन्होंने ये बेसिक सीख रखा है कि n साइन थीटा इक्वल टू कांस्टेंट होता है स्नेल्स लॉ, जिन्होंने उल्टा सीधा कुछ सीख रखा है उनके लिए डिफिकल्ट है। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसमें यूज किया गया स्नेल्स लॉ के डिफरेंशियल फॉर्म का, ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है IIT में। इसमें क्या दिया है, एक रे है जो ग्रेज करता हुआ एंटर करता है इस मीडियम में, इस मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बदल रहा है, तो आपको बताना है इक्वेशन ऑफ ट्रजेक्ट्री क्या होगा। ठीक, तो इसमें भी वही लोग आसानी से कर सकते हैं जिनको स्नेल्स लॉ यूज करना अच्छे से आता है। क्या स्नेल्स लॉ क्या बताया हमने आपको, एन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसके अलावा तो कुछ नहीं बताया ना हमने। तो यहां पर स्नेल्स लॉ लगाइए और कहीं यहां पर लगाइए स्नेल्स लॉ, इस जगह पर। ठीक, और इसको जब हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते थे तो इस तरह से यूज करके जब हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते थे तो क्या आया था आपका, n डिवाइड बाई 1 प्लस dy बाई dx का स्क्वायर रूट ओवर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो जिसको स्नेल्स लॉ इस फॉर्म में लिखना आता है, जिसको स्नेल्स लॉ इस फॉर्म में लिखना आता है, वही इन क्वेश्चंस को हैंडल कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता है। अब क्या है, देखो
अगर हम इस फॉर्म को यूज करें इस जगह और इस जगह के लिए तो क्या होगा? देखो, अगर मैं इस जगह पर बात करूं तो इस जगह पर स्लोप जीरो है, तो ये डीवाई बाई डी हो जाएगा जीरो, और यहां एयर है तो एन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, वन। तो क्या लिखा जाएगा, वन डिवाइड बाई वन इज इक्वल टू, मैं इसको यहीं से शुरू करता हूं, वन डिवाइड बाई वन इज इक्वल टू, अगर मैं यहां लिखूं तो एन लिखा जाएगा और यहां पर डीवाई बाई डी एक्स पता नहीं, तो हम ऐसे ही लिख देंगे इसको, डीवाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। क्लियर? अब इसको मैं इधर भेज दूं तो क्या आएगा, वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर। एन क्या है हमारे पास, वन प्लस वाई, तो इसको लिख सकते हैं वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन प्लस वाई। इस वन से वन कैंसिल हो गया, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आएगा आपके पास वाई की पावर हाफ। क्लियर? अब इसको मुझे इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करें तो क्या मिलेगा हमारे पास, देखो x जीरो पे y जीरो है, x इज इक्वल टू एक्स पे y की वैल्यू y है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, y की पावर माइनस हाफ डी एक्स, सॉरी डी वाई डी एक्स इंटीग्रेशन, जीरो पे ये जीरो है, x पर ये y है, y की पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ y की पावर हाफ इज इक्वल टू x, सो x स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 4y, दिस इज इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्ट्री, ये है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ये पैराबोलिक पाथ पे जा रहा होगा। ये क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार आया, अलग अलग एग्जाम में आया है, और देखो जिनको स्नेल्स लॉ इस फॉर्म में लिखना आता है उनके लिए कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, फटाफट समझ लेंगे, जिन्होंने ये रट रखा है ना साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू एन टू बाई एन वन, उनसे नहीं होने वाला, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू एन टू बाई एन वन से ये क्वेश्चन हैंडल नहीं हो सकते, ये क्वेश्चन हैंडल होंगे किससे, जब आपको पता होगा एन साइन थीटा इक्वल टू कॉन्स्टेंट या फिर डिफरेंशियल फॉर्म पता होगी तब। ये क्वेश्चन जेई मेन्स में ए आई ट्रिपल ई में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, ये इंसिडेंट रे है 6i प्लस 8j माइनस 10k, ऑब्वियस है अगर मैं ये xy प्लेन लूंगा तो ये रे नीचे की तरफ आएगी, ऐसे xy ये प्लेन हो गया हमारा, नीचे की तरफ ऐसे आ रही है, ये हमारा नॉर्मल वेक्टर हो गया, ये ऐसे इंसिडेंट कर रही है, यहां एयर है, एयर से 1 बाई रूट टू वाले किसी मीडियम में जा रही है, तो हमें बताना है कि रिफ्रैक्टेड रे जो होगा उसका यूनिट वैक्टर क्या होगा। देखो रिफ्रैक्टेड रे का यूनिट वैक्टर निकालने का बेस्ट तरीका क्या है, एक कंपोनेंट इसके प्लेन के पैरेलल होगा, एक कंपोनेंट ये होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर किसके, इस प्लेन के, तो अगर ये एंगल आर होगा तो एक कॉस आर कंपोनेंट होगा, एक क्या होगा साइन आई कंपोनेंट होगा जो प्लेन के पैरेलल होगा, तो अगर मैं प्लेन के पैरेलल कोई यूनिट वेक्टर निकालूं तो उसके पैरेलल एक चलेगा और एक चलेगा इसके अलावा, तो प्लेन के पैरेलल इसको बोलेंगे पी कैप, पी कैप मतलब प्लेन के पैरेलल वाला यूनिट वेक्टर, उसको बोलेंगे साइन आर, क्योंकि इसका कंपोनेंट क्या आएगा साइन आर आएगा, और प्लेन के नॉर्मल एक कंपोनेंट हो जाएगा उसको बोलेंगे क्या, उसका कंपोनेंट क्या आएगा इधर कॉस आर, मतलब रिफ्रैक्टेड रे का जो यूनिट वेक्टर आएगा वो आएगा क्या, प्लेन के पैरेलल जो यूनिट वेक्टर होगा उसके अलॉन्ग साइन आर कंपोनेंट, एक प्लेन के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा उसके अलॉन्ग कॉस आर कंपोनेंट। ठीक, तो मेरा मेन इंटरेस्ट अभी है आर निकाल लें हम किसी तरीके से, ठीक है, यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं दिया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना कोई बहुत बड़ा डील नहीं है, अभी हम लोगों ने किया था, क्या किया था, तो अब हमारा मेन इंटरेस्ट है आई डैश निकालने का, आई डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, आई यूनिट वेक्टर, इस आई वेक्टर को इंसिडेंस वेक्टर को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे बदले तो नॉर्मल के यूनिट वेक्टर का, नॉर्मल का यूनिट वेक्टर है के कैप से मल्टीप्लाई कर देते, तो आई को के कैप से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 10 बचेगा, ये लिख दिया और फिर आई का मैग्नीट्यूड 10 रूट 2 कर दिया, तो ये आएगा माइनस 1 बाई रूट 2, माइनस 1 बाई रूट 2 बोला जाए तो ये आएगा 135, तो अगर हम बोले ये वाला एंगल 135 है तो ये वाला एंगल होगा 45। अब हमारे पास ये एंगल आ गया तो ये निकालना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, स्नेल्स लॉ से साइन आई बाई साइन आर कर देंगे, एन टू बाई एन वन कर देंगे, तो यहां पे आर की वैल्यू क्या आएगी, एन वन बाई एन टू साइन आई, एन टू की वैल्यू अगर हम 1 बाई रूट टू लिया है क्योंकि यहां 1 बाई रूट टू दिया तो 1 बाई रूट टू रखो तो हाफ आ जाएगा, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 60। अब हमारे पास आर भी आ गया और एन तो हमें पता ही था, एन कैप पता ही था, अब हमारे पास प्रॉब्लम है पी पैरेलल, तो पैरेलल तो यही होगा, ये नॉर्मल है जो बचा वाला पैरेलल कंपोनेंट हो जाएगा, इसका यूनिट वेक्टर क्या आएगा, इसका यूनिट वेक्टर आएगा 6i 8j डिवाइड कर दोगे 10 से, तो क्या हो जाएगा ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा ये वाला, ये वाला। अब मुझे लिखना है
आर कैप। तो आर कैप अभी बताया है क्या होता है, आर कैप लिखना है तो क्या लिखेंगे, अब फटाफट हम आर कैप लिख सकते हैं। आर कैप क्या आएगा मेरा, आर कैप की जो वैल्यू आएगी ये कॉस आर कॉस 60। एन कैप, एन कैप मेरा किधर है, के कैप। फिर साइन आर, साइन आर की वैल्यू कितनी जाएगी, साइन 60। फिर पी कैप, पी कैप कितना हो जाएगा, 6i, सो इसको ऐसे लिख सकते हैं सीधा सीधा 3/5i प्लस 4/5j कैप। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, सो आर कैप क्या आने वाला है हमारे पास, √3/2 हो जाएगा, तो 3√3/10 आई कैप, √3, तो ये जाएगा 4√3/10 जे कैप, और यहाँ क्या हो जाएगा, हाफ के कैप, ये माइनस था क्योंकि ये उधर है तो नीचे की तरफ जाएगा, तो ये माइनस के कैप, ये आने वाला है हमारा क्या, रिफ्रैक्टेड रे। आपने देखा क्या कैसे हम स्नेल्स लॉ को यूज करते हैं, मेरे ख्याल से आपको थोड़ा बहुत तो कॉन्फिडेंस आया ही होगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं ज्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं। कल की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कैसे प्लेन सर्फेस से रिफ्रैक्शन के क्वेश्चन होते हैं, कैसे कर्विकल सर्फेस के रिफ्रैक्शन के क्वेश्चन को हम हैंडल करते हैं। तब तक अपना ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करो, क्यों इस बार ही तो फोड़ना है।